गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल्पित माध्य विधि के माध्यम से वर्गीकृत और अवर्गीकृत सारणियों के अंतर्गत माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि कल हमने कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र का उन्होंने दिया था, कल्पित माध्य का सूत्र क्या है? मान को के दूसरा कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, जिसमें हमने दो तरह की सारणियों का बारंबारता पूर्ण सारणियों का प्रयास करेंगे। सवालों से सबसे पहले वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो ने आपको समझना है कि वर्गीकृत किसे कहते हैं और अवर्गीकृत किसे कहते हैं। अवर्गीकृत जो असतत बारंबारता पूर्ण सारणी होती है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल के बिना या वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिए होते हैं, हमें डायरेक्टली एक साइ का मान वर्ग चिन्ह के रूप में दर्शाया गया होता है। सबसे पहले अवर्गीकृत सारणी को पढ़िए। सबसे पहले अवर्गीय पारंपरिक सारणी में हम माध्य ज्ञात करने का प्रयोग करेंगे। इसमें 17.4 हमारी प्रश्नावली है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम समझिए। इसमें दिया हुआ निम्न पारंपरिक प्रश्न का माध्य ज्ञात करना है, कल्पित माध्य से। तो इसमें सारणी दी गई है, हमें सारणी दे रखी है, इसमें भार जो दिया हुआ है विद्यार्थियों को, भार जो दिया हुआ है किलोग्राम में दिया हुआ है, और विद्यार्थियों की संख्या जो बार बार बदल जाती है, विद्यार्थियों की संख्या जो बार बार के रूप में दर्शाई जाती है। हमें भार जो दिया गया है वो ऐसे ही रूप में दर्शाना है, क्योंकि ये बिना वर्ग अंतराल का है, तो सीधा आपको मान इसका दर्शाया गया है। 77 किलो 70 ये अलग अलग विद्यार्थियों के बाहर के मान दिए हुए। दूसरे इसके विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार हमें ये पता है कि 77 किलो वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी देर की, 4, 70 किलो वाले व्यक्ति ये बार बार का उत्तर सकती है, बार बार ये हमारा सलाह दिया हुआ है। इसमें हम देते हैं कि ये सीधे आपको ऐसे का मान दिया हुआ है, इसलिए अवर्गीकृत बार बार का उत्तर सम देते हैं। इसमें हमें कल्पित माध्य का प्रयोग करना है, तो जो ऐसे के मान है दिए गए ऐसे के मान में से कोई मध्य का मान आप चयन करेंगे, तो उस मान को आपको मान रखेगा ए। हमारा यहाँ पर 72 को आपको ए मान, क्योंकि हमारे जो विधि है वो है कल्पित माध्य विधि, तो हम कल्पना करेंगे एक जो कल्पित माध्य है उसकी, तो वो कल्पना करके हमको मध्य का मान का चयन करना है। मध्य का मान कितना है? 72, तो हमने कल्पित माध्य क्या माना? 72 को कर। अब आपके सामने अजगर इसमें बोला था, उसमें आपको डीए का मान करना है, और डीए क्या है वो मैं कल बता चुका हूँ। डीए है विषम का मान, तो विषम का मान निकालने के लिए ऐसे जैसे ए को घटाना है, ए हमारा आपको ने कल्पित मान, तो माना कि कल्पित मान सवाल में आपको क्या मानना है, तो माना कि कल्पित मान ए बराबर करता। अब हमको डीआई का मान जो निकालना है, उसमें ऐसे ही माइनस ए लिखना है, तो ऐसे ही माइनस ए मतलब ऐसे कितना है 67, तो
तेरा जो आपका बी ए का मान आया वो 67 माइनस 72 जो आपका मान है, इसको हमें गणना करना है। तो पहले वाले वर्ग के लिए, पहले वाले कॉलम के लिए या पहले वाले रो के लिए आपको इस तरह से मान प्राप्त होगा। 67 माइनस 72 हम जब सजाते हैं तो कितना आता है, माइनस 5, कितना आता है, माइनस 5। इसी प्रकार से 67 में से 72 है आपको नेक्स्ट कौन है, इसे 70, 70 में से 72 जाएंगे तो माइनस 2 आता जो आपका डीए का। इसी प्रकार से अगला है 72 में से 72, तो आपका अगला जो मान आया वो डीए का मान कितना है, 0। तीसरे बार चौथे में आपको 73 में से 72 जाएगा, 73 में से 72 जाएगा तो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से अगला आपका मान है 75 एक्सेल का मान, जिसमें से ए आपने मान लगाए गलती मान 72 घटाने में कितना आया, 3। तो आपके सामने डीए के मान, डीए माइनस डीए बराबर एक्सेल माइनस एक के सूत्र से प्राप्त किए। तो पहला डीए का मान आया माइनस 5, दूसरा माइनस 2, तीसरा आपका मान है 0, चौथे के मान डीए का मान 1 और पांचवे का मान। इस तरह से हमने डीए का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमारे सामने ये वाला मान एफ आई है, तो सूत्र में हमको चाहिए एफ आई इंटू डीए, क्या चाहिए, एफ आई इंटू डीए। तो एफ आई इंटू डीए का मतलब होता है कि बार-बार का और विचलनों का गुणनफल का मान, बार-बार का और विचलनों का गुणनफल का मान। तो माइनस 5 का गुणनफल कितना होगा, 4 से, तो माइनस 5 इंटू 4 का गुणनफल कितना आएगा, माइनस 20। तो आप ध्यान में भी सीधा है 4 इंटू माइनस 5 क्योंकि एफ आई इंटू डीए, तो आपके सामने बी सीधा है 4 इंटू माइनस 5 बराबर माइनस 20। ये आपको पहले वाला वर्ग में आपको सुना है। अगर आपके आप डायरेक्टली गुणा कर तो मान लेना आपको आता है राइट में से 4 इंटू माइनस 5 तो 4 इंटू माइनस 5, फिर 3 इंटू माइनस 2 तो 3 इंटू माइनस 2 बराबर होता है माइनस 6, 3 इंटू 6 होता है माइनस 6। 0 का 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2 इंटू 0 का मतलब क्या आएगा, 0 आएगा, 2 इंटू 1 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से लास्ट का हमारा वर्ग है उसमें 1 हमारा बार बार का मान है और 3 ये का मान, 1 इंटू 3 का मतलब होता है 3। इस प्रकार आपको एफ आई डी ए का मान माइनस और प्लस दोनों के संख्या को प्राप्त हुआ है। तो माइनस की संख्या जोड़ी जाएगी तो माइनस संख्या कितनी आएगी, माइनस 26, 20 और 6 और 0 को जोड़ने पर 0 0 का एक और तीन कितना गया, 4 की 4 इसका आया प्लस 4। अब आपके सामने माना की कल्पित बात तो आपने माना, माना कल्पित बात याद रखो, माना की कल्पित बात ए बराबर कितना होना, 72, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है कि कल्पित बात का चयन आपको एक्स के माध्यम से, कल्पित बात का चयन एक्स के माध्यम से मध्य के मान से दर्शा। अब आपके सामने ये 4 प्लस का और 26 माइनस का, 26 माइनस में से 4 आएंगे तो सिग्मा एफ आई डी ए का जो मान आएगा 26 में से 4 का कितना आता है, माइनस, ये आपके सामने माइनस 22 आया। देखिए यहाँ पर स्थिति ये आपने जो ये चीज जानी, 2 का इस गुणा कर 2 है तो 2 आता है, यहाँ पर क्या हो रहा, 5 आता है, सभी गुणा करें 2 एवं 2, 2 और 3 5 प्लस का है। और 7 बढ़ता है किसके रूप में, माइनस में
शाम में चार बजे बात देंगे तो ये बात करने पर कितना आएगा? 1.75 के करीब एक पॉइंट पीछे तो ये माइनस का आया तो आपको सीधा मान दिए कितना है प्लस माइनस माइनस एक पॉइंट पीछे तो आपको कुछ बनाइए तो आपको कम आएगा 70.25 माध्यिका ये हमारा सभी को समझ आया इसमें से सवाल नोट करें कि कल्पितपाद विधि से माध्यिका करना है हमारा ये कल्पितपाद जी माध्य सभी ने नोट कर लिया होगा। अब अपना अगला सवाल जो है इसमें वो एक कल्पित माध्यिक का ही विधि का प्रयोग करते हुए चलेंगे जिसमें हमें बार बार का वर्गीकरण दी गई होगी वर्ग अंतराल रूप में सारणी दी गई होगी उसमें हम इस प्रकार से अगली स्टेप बताएंगे कि एक्सेल का मान हमें निकालना आना चाहिए जो हमारे लिए क्या है एक्सेल मान वर्ग है। नेक्स्ट सवाल जो है अगला सवाल अगला सवाल हमारे सामने है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 17.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें साफ शब्दों में कल्पित माध्य पहले से ही आपको दिया हुआ है कल्पित माध्य 25 अगर है तो दी गई बारंबारता मंडल सारणी के माध्यम से कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो ध्यान दीजिए हमें इसमें कल्पित माध्य पहले से दिया हुआ है तो कल्पित माध्य 25 कल्पित माध्य 25 मानकर दी गई वर्गीकृत या सतत बारंबारता बंधन सारणी रूप से बारंबारता बंधन सारणी कल्पित माध्य 25 मानकर दी गई वर्गीकृत सतत बारंबारता बंधन सारणी से कल्पित माध्य विधि द्वारा कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर माध्य ज्ञात। अब सवाल ये विधि हमारी नहीं कल्पित माध्य विधि लेकिन हमारे जो बारंबारता है उसके में वर्गीकरण या सतत रूप है जिससे हमें किस प्रकार से माध्य ज्ञात करना है वो हम देखेंगे। सभी मेरे सामने होंगे
अब साड़ी में हमें दो मान दिए गए होंगे, एक वर्णद्रा और एक वर्णवर्ता कुमार। फिर हम सूत्र के अनुसार जो मान हमें ज्ञात करने हैं उनको पारिवारिक से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बल अंतराल आपको दिया हुआ है जीरो से लेके, सबसे पहला वर्ग है जीरो से दस, ये दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास। इस प्रकार हमारे सामने कुल पांच बल अंतराल दिए गए हैं। अब इसमें पारंपरता जो हमारा होगा कॉलम है, पारंपरता जो दी गई है एफ आई के रूप में, पारंपरता जो है पारंपरता है एफ आई के रूप में दी गई है। अब आपको एफ आई तो दिया हुआ है, तो एफ आई का मान नोट करें, छह दस, ये सवाल आप साथ साथ नोट कर ले ताकि मैं हल करूंगा तो उसको मान आप सीखेंगे, तो हल करने के बाद आप पूरा सीखने के बाद पुनः उतार लें। सामने का मान सौ रुपये दिया हुआ आप साथ साथ कर लें, अब ये हमारा सवाल जो मैं दिया हुआ कि बल अंतराल कितना मैंने सारणी दी गई है, और जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस और चालीस से पचास। इसमें बल अंतराल में सभी बल अंतराल जो दिए गए हैं उनमें अंतर एक समान संख्या के रूप में, इन सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितना है, दस, कितना है, दस। तो ये बल अंतराल एक कंटिन्यूअस वे में जा रहा है, क्रमानुसार जा रहा है, तो ये पारंपरिकता बल अंतराल के रूप में या वर्गीय रूप में बताई जाती है या दर्शाई जाती है। आपको प्रत्येक का वर्ग अंतराल में अंतर है अगर समान संख्या है तो एक बार ही आपको ज्ञात करना है, बाकी वो अंतर जो सभी का दस है वो आप जोड़ लेते हैं। तो जीरो और दस, तो ये आगे वाली संख्या है जितनी भी है, जीरो, दस, बीस, तीस, चालीस, ये निम्न सीमा है, तो ये दस, बीस, तीस जो अंतिम संख्या चल रही है उस वर्ग की, ये आपके लिए जाती है निम्न सीमा। जैसे कि इसको हम यू कहते हैं न्यूनतम मान और अधिकतम मान, इसको निम्न सीमा या उच्च सीमा ऐसा भी कहा जाता है। तो ये न्यूनतम है जीरो और ये अधिकतम है, दस जाकर जीरो न्यूनतम हो गया, दस न्यूनतम बीस आपका अधिकतम हो गया, इसीलिए आगे वाले वर्ग के जो नंबर है उनको निम्न सीमा कहा जाता है और उसको ऊपरी सीमा कहा जाता है। तो पहले वाले बार तुम्हें आपको अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट न करें, कल ध्यान दें कि जीरो जो आपका पहला निम्न सीमा है और दस जो आपकी इस वर्ग की अंतिम सीमा है या अधिकतम सीमा है, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दें तो ऐसे का मान आ जाता है। लेकिन अभी बल अंतराल के माध्यम से हमें ऐसे का मान पहले निकालना है, तभी हम ऐसे का मान से बी ए का मान निकाल सकते। पहली बात ये पांच वाला ध्यान दें, जीरो और दस को जोड़ के दो का भाग देंगे तो कितना आया, जिसको भी ये चीज समझ आती है तो वो हर एक वर्ग की जो निम्न सीमा उपरि सीमा उनको जोड़ के दो का भाग होते वो भी आसानी से माना जाएंगे। और एक और तरीका है कि इनके बीच का अंतर सबका क्या है, एक समान, तो ये समान संख्या क्या है, एक समान संख्या जो इनका अंतर है वो दस है, कितना है, दस। जीरो से दस के बीच में अंतर कितना हुआ, दस, दस से बीस के बीच में भी अंतर कितना हुआ, दस, बीस से तीस के बीच में भी दस। इस प्रकार सभी वर्गों का जो अंतर है वो एक समान राशि या समान संख्या के रूप में दस है। तो आपको पहले वाले वर्ग के लिए ऐसे का मान निकालने का तरीका ये निम्न सीमा का निम्न सीमा जोड़ के दो का भाग देना है, फिर पुनः जो उनका अंतर है वो आप बारी बारी से जोड़ देंगे प्रत्येक अगले वाले वर्ग चिन्ह के मान में, तो आपको अगले वाले वर्ग चिन्ह का मान पता लग जाएगा। और पांच में दस जोड़ेंगे, पांच में दस कितने होते हैं, तो अगले वाले के लिए वर्ग चिन्ह क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इन दोनों को जोड़ के दस और तीस को जोड़ के दो का भाग देंगे तो भी बन जाएगा, दस प्लस तीस अपॉन दो करोगे जिस तरह से पहले भी किया गया, दस और तीस को जोड़ने पर दो का भाग देने पर कितना आएगा, पंद्रह। लेकिन हम चाहते हैं कि इजीली हो जाए, इजीली ये अगर का अंतर एक समान है तो प्रत्येक क्रम में अगले वाले ऐसे के मान में हम दस दस का अंतर जोड़ते जाएंगे तो अगले वाला वर्ग चिन्ह का मान आता जाएगा। पंद्रह में दस जोड़ो क्या आ गया, पच्चीस में दस जोड़ो कितना है, पैंतीस में दस जोड़ो तो दस। अब ये दस जोड़े दस का क्या है, इनका जो अंतर है उसमें क्या है, एक समान अंतर जो है
एक समान संख्या है अंतर, इसलिए हम वो अंतर जोड़ते जा रहे हैं, तो आप जानते हैं स्थिति के रूप में ऐसे समान प्राप्त हो गया। तीसरा आपका कॉलम बनेगा डीएल, ये छोटा कॉलम तो है, पहला कॉलम बन चुका है, छोटा कॉलम में डीएल का मान निकालना जो आपको मिलता था एक्स माइनस ए, जो सूत्र पहले मैंने अब वर्गीकरण सारणी में बताया। अब ये सबको पच्चीस फिर हमारे सिग्मा एफआई डीआई अपॉन सिग्मा एफआई।
अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिग्मा एफए का मान जो होता है वो सिग्मा एफए का मान क्या होता है बार मात्राओं का योग से हम एन से दर्शाते हैं किससे दर्शाते हैं यहां पर आप एफआई के लिए इस सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं ए प्लस वन अपॉन एन सिग्मा एफआई जी दोनों ही सूत्र ये सूत्र भी काम आ सकता है एक बात जो कर्तव्य मान दिए उसमें 25 लाख लोग के कर्तव्य मान दिया हुआ है प्लस सीमा एफडीए का मान कितना है माइनस 17 अपॉन एन जो आपके लिए बार बार लगाया होगा या सीमा एफडीए का मान है वो कितना है वो भी जीरो से जीरो कट जाएगा आपके सामने 25 माइनस 7 का 4 ये आपके सामने आता है तो 7 और 4 मतलब ये 4 का 7 में भाग देना है जो मोस्टली कितना जाएगा देखिए सात का जब चार भाग देंगे तो ये 1.75 अब ये 1.75 के लगभग ये जो पूरा निकाल लिया माइनस आया तो आपका मान कितना है 25 माइनस 1.75 तो आया 23.25 मान की समय 23.25 चलिए सवाल नोट कर लीजिए उतार लीजिए और इससे संबंधित जितने भी सवाल है आप स्वयं प्रयास करें और भी आपसे होते मुझे मैसेज के द्वारा या कॉल करके पूछ सकते तो ये आप नोट कर ले और okay,